नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जय और स्वागत है सभी के एक बार फिर से जेएस भक्ते यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहां पर देते रहता हूं। तो आज भी हम इसी तरह एक नए रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं और वो रिक्रूटमेंट है इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2020। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेवी के बारे में जो नई वैकेंसी निकल के आई है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर कौन सी है उनके बारे में बात करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करेंगे, आपको यहाँ पर क्या ऑफर्स दिए जाएंगे नेवी की तरफ से इसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में, ट्रेनिंग और आपको इस पोस्ट को कैसे अप्लाई करना है, इन सभी पॉइंट्स की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 6 अक्टूबर से यहाँ पर आप इस पोस्ट को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये एप्लीकेशन अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर निकाले गए हैं ताकि आप इंडियन नवल अकेडमी एजीमाला केरला फॉर 4 ईयर ऑफ बीटेक डिग्री कोर्स अंडर द 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम, यानी कि 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के लिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन यहाँ पर निकाली गई है। तो यदि आपको यहाँ पर 4 साल का बीटेक करना है नवल अकेडमी की तरफ से, तो आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को फिलअप करना है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे उन्हें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेस में इंडियन नेवी के लिए। और उसके पहले आपको यहाँ पर आपका कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा INA में, और उसके बाद में आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपका INA का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर इंडियन नेवी में एजुकेशन एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए ब्रांच वाइज वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर एजुकेशन ब्रांच के लिए 5 वैकेंसी दी गई है, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए यहाँ पर 29 वैकेंसी है, और टोटल 34 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर इन्होंने कुछ नोट्स आपको बताया है कि आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, और ये भी बताया कि आप यहाँ पर दोनों ब्रांच को अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी एक ब्रांच को भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने बताया है कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर SSB बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट प्रेफरेंस। और एक बार आपकी ब्रांच यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी ब्रांच चेंज नहीं करते आएंगी। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं। और जैसे ही आप SSB के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, यहाँ पर आपका SSB का मेडिकल एंड मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट दी गई है वो है बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2001 एंड 1 जनवरी 2004, यानी कि आपकी जो यहाँ पर बर्थ डेट रहनी चाहिए वो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जनवरी 2004, इन डेट्स के बीच में आपकी यहाँ पर बर्थ डेट रहनी चाहिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया गया है कि यहाँ पर आप सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास रहना चाहिए आपके रिकग्नाइज बोर्ड की तरफ से, और आपको 70% एग्रीगेट मार्क्स रहना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, यानी कि आपका PCM रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर 12th में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 50% रहना चाहिए इंग्लिश में, या तो आपको 10th में 50% रहना चाहिए इंग्लिश में या फिर 12th में, दोनों में से कहीं भी आपको 50% रहना यहाँ पर ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने बताया कि कौन से कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस कैंडिडेट ने यहाँ पर JEE मेन की 2020 की एग्ज़ाम दी है और जो आगे BE BTech करना चाहता है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो SSB में आपके सिलेक्शन के लिए ये आपके JEE मेन का यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पब्लिश किया जाता है NTA की तरफ से। तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स की इंफॉर्मेशन, आपकी रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन और टैटू की इंफॉर्मेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी, तो उसे आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे ज़रूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर कौन से ऑफर्स दिए जाते हैं नेवी की तरफ से। तो यहाँ पर आपका प्रमोशन हो जाता है सबसे पहले, तो आपका जो प्रमोशन होता है वो सब लुटेंट टू कमांडर आपका यहाँ पर प्रमोशन होता है, जब आप यहाँ पर आपके मैंडेटरी कोर्सेज को कम्प्लीट कर लेते हो और आपके मेडिकल कंडीशंस यहाँ पर चेक हो जाती है, उसके बाद में आपका यहाँ पर प्रमोशन हो जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पे एंड अलाउंसेस, यानी कि आपको यहाँ पर सैलरी दी जाती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी कि आपको कितना यहाँ पर पेमेंट दिया जाता है। यहाँ पर आपका ग्रुप इंश्योरेंस एंड ग्रेट्यूटी कराया जाता है, यानी कि आपका 1 करोड़ का यहाँ पर इंश्योरेंस कराया जाता है, और यहाँ पर आपकी ग्रेट्यूटी ग्रांटेड की जाती है ऑफिसर के नाम से। तो यहाँ पर लीव एंटाइटलमेंट्स, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, इस तरह से आपको यहाँ पर ऑफर्स दिए जाते हैं, तो इसे आप ज़रूर से देख सकते हो। तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका JEE मेन का स्कोर देखा जाएगा, 2020 का आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है,
वो देखा जाएगा और उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए SSB के इंटरव्यू के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो बैंगलोर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम यहाँ पर रहने वाला है नवंबर से जनवरी इस मंथ में। और आपकी जो SSB की इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन रहेंगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी, आपके SMS के थ्रू यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके लिए जब आप यहाँ पर एप्लीकेशन करोगे तब आपको ईमेल ID और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट फिलअप करना है क्योंकि उसी पर से आपको सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू होने वाला है SSB का वो दो स्टेजेस में यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले स्टेज में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड ग्रुप डिस्कशन, इस पॉइंट्स के ऊपर आप स्टेज वन में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्टेज वन पास हो जाते हो तो उसके बाद में आपका स्टेज टू में यहाँ पर फिजिकोलॉजिकल टेस्टिंग, ग्रुप टेस्टिंग एंड इंटरव्यू आपका यहाँ पर लिया जाएगा और वो यहाँ पर 4 दिन तक रहने वाला है आपका SSB का इंटरव्यू स्टेज टू का। और जैसे ही आप यहाँ पर दोनों स्टेज पास हो जाते हो तो उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर रहता है, वो अप्रोक्सीमेट 3 या 5 दिन का यहाँ पर रहता है। यहाँ पर SSB के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर SSB ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर बता दी जाएंगी। तो यहाँ पर SSB के इंटरव्यू के लिए जब आप आते हो तो यहाँ पर आपको AC 3 टायर रेल फेयर एडमिसिबल की जाती है। तब आपको यहाँ पर आते वक्त यदि आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो आपके पासबुक की, बैंक पासबुक के या फिर चेकबुक का एक फोटोकॉपी लेकर आना है जिस पर आपका नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड लिखा हुआ है, उस तरह का आपको यहाँ पर फोटोकॉपी लेकर आना है जब आप यहाँ पर SSB को आओगे तब। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 20 अक्टूबर यहाँ पर रहने वाली है। तो अब बात कर लेते ट्रेनिंग की। तो SSB के इंटरव्यू जैसे ही आप पास हो जाते हो SSB के मार्क्स आपको यहाँ पर अलॉट हो जाते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पर मेडिकल टेस्ट आपका पास हो जाते हो, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद में आप नवाल अकेडमी की तरफ से यहाँ पर 4 साल का आपका BTech कोर्स कंप्लीट कर पाते हो, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज पर द नवाल रिक्वायरमेंट्स। तो इन फील्ड्स में आपको यहाँ पर आपकी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है। तो उसके बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाता है अलग अलग कैडेट्स में, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, इस तरह के पॉलिसीज में आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब आपकी यहाँ पर डिग्री कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आपके बुक्स के लिए, आपके रीडिंग मटेरियल के लिए सभी यहाँ पर जो खर्चा रहता है वो यहाँ पर इंडियन नेवी की तरफ से रहता है और यहाँ पर खाने की सुविधा और आपके कपड़ों की सुविधा यहाँ पर सभी नेवी की तरफ से रहती है। तो बात करते हैं कि आपको इस पोस्ट को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको www.joinindiannavy.gov.in इस वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। और मैंने आपको बताया स्टार्टिंग डेट 6 अक्टूबर यहाँ पर रहने वाली है। तो वहाँ पर आपको आपके सभी डिटेल्स फिलअप करने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको अपलोड करने हैं और आपका एक यूज़र प्रोफाइल वहाँ पर आपको बना लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त आपको यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने हैं और फिर आपको अप्लाई करना है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर फिलअप करनी है। और आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10th या फिर 12th के सर्टिफिकेट पर से आपको वहाँ पर फिलअप करनी है। आपको वहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वहाँ पर ज़रूर से फिलअप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर आपको आपका 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, आपका JEE मेन का स्कोर कार्ड 2020 का और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वहाँ पर आपको स्कैन कर लेना है और उसके बाद में उसे JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर उसमें अटैच कर देना है, यानी कि आपको वहाँ पर ऑनलाइन अपलोड कर देना है। और यदि आपके यहाँ पर स्कैन डॉक्यूमेंट गलत है तो आपके यहाँ पर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए बहुत ही केयरफुली आपको वहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप कर लेना है। जैसे आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर दोगे तो उस एप्लीकेशन फॉर्म की आपको प्रिंट निकाल लेनी है फाइनल सबमिट के बाद में और उसे आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ SSB के इंटरव्यू को लेकर आना है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको बताई है, जैसे कि आपको सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिटेल्स इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी तो उसे आपको केयरफुली रीड कर लेना है। और वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है और यहाँ पर आपको इसकी लास्ट डेट के पहले ही अप्लाई कर देना है और उसके पहले ही आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है, तो यहाँ पर फ्री में आपको इस पोस्ट को अप्लाई कर देना है। और यदि आप यहाँ पर आपके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो, अपनी गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपके सिलेक्शन प्रोसेस के वक्त आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन सही देना है और साथ ही साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस वेबसाइट पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी।
तो दोस्तों इस तरह यहाँ पर सभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो के आप अंत तक बने हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसी तरह के और नए वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले यहाँ पर अपडेट्स मिलती रहे। और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को पता चले इस कैडेट एंट्री स्कीम के बारे में, इंडियन नेवी के बारे में आपके दोस्तों को पता चले तो उन्हें ज़रूर से शेयर कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपके सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। तो इस तरह के और नए वीडियोज़ मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching this video and take care. Bye-bye.